जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कावेरी हॉस्टल में रामनवमी के अवसर पर छात्रों के दो गुटों के बीच मेस में नॉनवेज खाने को लेकर हुए हंगामे और मारपीट के बाद हुआ बवाल अभी भी थमता नजर नहीं आ रहा है। रामनवमी के दिन नॉनवेज खाने को लेकर हुए विवाद के बाद शुक्रवार को अब एक नया मामला सामने आया है, जिसमें जेएनयू कैंपस के आसपास भगवा झंडे लगा दिए गए। बता दें कि भगवा झंडे हिंदू सेना की ओर से लगाए गए हैं। इसके साथ ही कुछ पोस्टर भी लगाए गए हैं जिन पर भगवा जेएनयू लिखा गया। हालांकि बाद में पुलिस ने इन्हें हटा दिया। इस मामले को लेकर दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के डीसीपी ने बताया कि आज सुबह जेएनयू के आसपास के इलाकों में झंडे और बैनर लगाए जाने की सूचना मिली थी। हाल ही में हुई घटनाओं को देखते हुए इन्हें तुरंत हटा लिया गया, साथ ही इसको लेकर उचित कार्रवाई भी की जा रही है। दूसरी ओर इसको लेकर हिंदू सेना के उपाध्यक्ष का बयान भी सामने आया है, जिसमें वो धमकी भरे लहजे में लोगों को भगवा का अपमान नहीं करने की चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भगवा का अपमान भगवा विरोधियों द्वारा किया जाता रहा है। हिंदू सेना इनको चेतावनी देती है, सुधर जाओ, भगवा का अपमान करने की कोशिश मत करना। हम आपका सम्मान करते हैं, प्रत्येक धर्म का सम्मान करते हैं, प्रत्येक विचारधारा का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से जेएनयू के अंदर भगवा का अपमान किया जा रहा है, हिंदू सेना इसको सहन नहीं करेगी और कोई भी कठोर कदम इसके विरोध में उठा सकती है। आपको बता दें कि रामनवमी के दिन जेएनयू के कावेरी हॉस्टल के मेस में कथित तौर पर नॉनवेज खाना परोसने को लेकर दो छात्र गुटों में जबरदस्त हिंसा हो गई थी। इस हिंसा में दोनों ओर के करीब दर्जनों छात्र घायल हुए थे। इस घटना को लेकर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ ने आरोप लगाया कि एबीवीपी के सदस्यों ने छात्रों को छात्रावास में नॉनवेज खाने से रोका और हिंसा का माहौल बनाया। वहीं एबीवीपी ने इन आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि रामनवमी पर छात्रावास में आयोजित पूजा में वामपंथियों ने बाधा डाली थी। आईएनएस रिपोर्ट।